बिलासपुर थाना सदर के अंतर्गत बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर में एक बाहरी राज्य के अमित कुमार पुत्र अजय सिंह गांव नागल जिला बुलंदशहर यूपी उम्र 20 साल ने डियारा सेक्टर बिलासपुर में अपने किराए के कमरे के अंदर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को दिया गया। अभी तक फंदा लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि मृतक के परिवार वाले घर यूपी गए हुए थे, जब सुबह दूसरी मंजिल पर उसी के चचेरे भाई ने सुबह देखा तो अंदर लटका हुआ दिखा, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि सुबह पुलिस को सूचना मिली कि डियारा सेक्टर में बाहरी राज्य के व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और फंदा लगाने के कारणों का पता लगा रही है। अंतर्राज्यीय बिलासपुर बस स्टैंड यात्रियों के लिए बिल्कुल अब सुरक्षित नहीं है। सरेआम दबंगियों ने बस चालक को पीटकर अपनी दबंगई दिखाई है, जिसका वीडियो आजकल वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक अक्सर कुछ दबंग बस अड्डे पर अपनी दबंगई करते नजर आते हैं। इस बात को लेकर इनकी चालक से कहा सुनी होगी कि इन्होंने चालक को सरेआम ही पीट डाला। हिमाचल प्रदेश में अति महत्वपूर्ण बस अड्डे होने के बावजूद दिन व रात के समय कोई भी पुलिस सहायता सेवा यहाँ उपलब्ध नहीं है। कई बार आम जनता इसकी मांग कर चुकी है, मगर शासन व प्रशासन के कान में आज तक जूं नहीं रेंगी है। ऐसे वाक्य पहले भी होते आए हैं और पेश हुए हैं, जैसा वाक्य आज थोड़े समय पहले बिलासपुर में बस अड्डे में देखने को मिला। बिलासपुर जिला के दावी घाटी के जुखाला क्षेत्र में आयोजित शायर मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे पूर्व विधायक व भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बैल पूजन कर खूंटा गाड़ कर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर रणधीर शर्मा ने सभी को शायर उत्सव की बधाई दी तथा मेला समिति को मेले के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस समिति को मेला आयोजन को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मेले के आयोजन को लेकर कई राजनीतिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु मेले समिति ने हार नहीं मानी और इस मेले को हर वर्ष सफलतापूर्वक आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि आज इस मेले को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्राप्त है। इस मेले में कई मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों व राज्यपाल शिरकत कर चुके हैं और इस मेले की बदौलत क्षेत्र में कई विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कृषि मंत्री इस मेले के समापन पर आए थे और उन्होंने यहां पर सब्जी मंडी का शिलान्यास किया था, जिसके टेंडर लग चुके हैं और अगले वर्ष तक सब्जी मंडी तैयार होगी। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार हर वर्ग के उत्थान में लगी है, जिसमें किसानों का विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिसका किसानों को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने कई सौगातें भी दी हैं। उन्होंने बताया कि फरवरी माह में जुखाला क्षेत्र में मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र में 33 केवी सबस्टेशन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाकर सिविल अस्पताल करने व क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा भी की थी। मेला समिति के अध्यक्ष बालक राम ठाकुर ने मुख्य अतिथि रणधीर शर्मा का मेले में पहुंचने पर धन्यवाद किया तथा उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इससे पूर्व हर वर्ष की भांति शिव मंदिर बटोली में पूजन कर वहां से मेला स्तर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें रणधीर शर्मा ने भी भाग लिया। जिला स्तरीय शायर मेले में कृषि, बागवानी, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां भी आयोजित की गई है।
तीन दिवसीय इस मेले में जिला स्तरीय कबड्डी व रस्साकसी मुकाबलों को भी आयोजन किया जाता है। इस मेले में डावी घाटी के किसानों, बागवानों तथा पशुपालकों के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है तथा उत्कृष्ट पशुपालक, बागवानों तथा कृषकों को इनाम देकर भी सम्मानित किया जाता है। जो जाम होता है वो लगाना चाहते हैं, तो ऊपर भी सरकार 50% सब्सिडी देगी। दौलतराम जी, दौलतराम जी चिंतित है, पैसा कम कटा हुआ है। दौलतराम जी, हमने हमेशा आपको कहा है आप इस मेले का भरपूर आनंद उठाएं, इसको कामयाब बनाने के लिए जो भी हो सकता है उसको करें। आर्थिक सहायता जितनी भी आपको चाहिए, हमने पहले भी प्रयास किया, आगे भी प्रयास करेंगे।